आयकर विभाग को लेकर है, जहां आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने शुक्रवार सुबह से इंदौर के तमाम कारोबारियों के यहां छापेमार कार्यवाही शुरू की। इंदौर के रियल एस्टेट और ज्वेलर्स आयकर के निशाने पर हैं। आय छुपाने और कर चोरी की आशंका में विभाग की टीमों में रियल एस्टेट से जुड़े टीनू संघवी और शुभम लाभक ग्रुप के प्रमुख सुमित मंत्री के ठिकानों पर दबिश दी। साथ ही इनके कारोबारी सहयोगियों के यहाँ भी जांच करने की आयकर की टीम पहुंची है। इसके साथ ही वास्तु ग्रुप के भूपेश संघवी, शुभम लाभम ग्रुप के ही मंगल मंत्री और पप्पू सत्यनारायण मंत्री, एसडीवाईएस ग्रुप के दिलीप जैन, देव्स बेकरी के यहाँ भी जांच के लिए आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। रियल एस्टेट से जुड़े टीनू संघवी कांग्रेस नेता पंकज संघवी एवं जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से हाल ही में अग्रिम जमानत लेने वाले विवादित बिल्डर सुरेंद्र संघवी के भाई हैं। इसी के साथ लगभग ग्रुप के सुमित मंत्री भी कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। इंदौर में 9 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह 8 बजते बजते जांच शुरू हो चुकी है। दोपहर को आयकर विभाग की टीम जवाहर मार्ग स्थित जयंती लाल एंड कंपनी पर कार्यवाही के लिए पहुंची है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पिछले दिनों भी रियल एस्टेट फर्म के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे थे। दिल्ली, लखनऊ, गुड़गांव, चंडीगढ़ सहित देश भर में कंपनी के ऑफिस व अधिकारियों के घर सहित 45 ठिकानों पर एक साथ डाली गई इस रेड में आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की राशि जब्त की थी। इनमें से एक शीर्ष अधिकारी के घर से 1.5 करोड़ की राशि जब्त की गई थी। इस बीच 3 दिन से पटाखा कारोबारियों पर चल रही जीएसटी की कार्यवाही 2 जगह संपन्न हो गई है। रीजनल पार्क के थोक पटाखा व्यापारियों में से 3 ने करीब 7 लाख रुपए का टैक्स जमा करवा दिया है। इनमें प्रभु फायर, संजय पटाखा व क्लासिक पर कार्यवाही पूरी कर ली गई है। इस बीच छापों के बीच खेमा फायर वर्क्स के संचालक को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। अन्य ठिकानों पर जांच अभी जारी है। इस बीच रवि फायर वर्क्स के अघोषित गोदाम पकड़ में आए हैं। पता चला है कि वो अन्य लोगों के लाइसेंस किराए पर लेकर अपना माल खपा रहा था।